बतलन बिलन आते मुझे छाछ दे दी ठंडी ठंडी हो वो, मुझे नींद आ रही थी यार, सब उड़ गई। जो तरोताजगी वाला एहसास होता है ना वो। थैंक यू, चीयर्स। अभी मेरे साथ घर वाली बाहर वाली वाला काम हो रहा है। अभी मैंने इन कपड़ों में कहीं और सीन देना है, मतलब उसका आधा सीन हुआ है वो हुआ, अभी दोबारा से चेंज करके दूसरा सीन करने के लिए जाना है मुझे, और फिर से वापस आके कपड़े पहन के दूसरा सीन करने जाना है, सेम पूरा। एंड वी आर बैक टू द बेसिक्स। चलो अरे भाई साहब चित्रा मैम ने मेरे को एक गिफ्ट दिया है अचानक से बिना बताए। थैंक यू मैम, सच्ची वाला। थैंक यू। अच्छे ब्लॉग बनाना बहुत चल, बल्कि अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका मतलब ये कि मुझे आजादी मिल गई, किसी के मुंह पर क्या ना मारो। हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। और इस व्लॉग के अंदर ही एक वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, विच इज एन अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दिस वीडियो मेकिंग किट, जो एक गिफ्ट है और हमें मिला है हमारे दिलदार चित्रा मैम से। चलिए ओपन करते हैं। ओके, काफी कुछ इसके अंदर देखने को मिल सकता है मुझे ऐसा लग रहा है। भाई साहब सब कुछ तो है इसके अंदर, लेट मी शो यू। इसके अंदर है ये, अगर निकल जाए तो होल्डर, मैं इसको अभी ओपन करके बताऊंगा। एक रिमोट, फ्लैशलाइट, कैमरा होल्डर एंड अ माइक। भाई साहब मैं सच सच बता रहा हूँ, इस किट के अंदर मुझे लगा था कि इसमें सिर्फ ये होने वाला है जो कि कैमरा, आई मीन जो हमारा फोन है उसको होल्ड करने के लिए होता है, इसमें सेट करके ऐसे लगा के घूमते हैं, बट इसके अंदर रिमोट, फ्लैश लाइट और माइक भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गदर मचने वाली है सबके से ऊपर, सबके मुंह पर मैं कैमरा घुमाने वाला हूँ अपने फोन का हर वक्त, क्योंकि अब सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट होने वाली है। मेरी साउंड परफेक्ट होने वाली है, अगर मैं अंधेरे में शूट कर रहा हूँ तो मेरी लाइट परफेक्ट होने वाली है, और अब चीज़ें हैंडी नहीं रहेंगी। तो अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊँ, होता कैसे ओपन अभी मुझे भी नहीं पता। ओके, ये हो गया। ओके, इसको यहाँ पे इस बटन को प्रेस किया और ये ऐसे ओपन हो गया। ओके, इसको मैं इस तरह से भी रख सकता हूँ, ये स्टैंड के तौर पर काम करेगा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग भी है ऐसे ना, आगे पीछे करने की। और इसमें स्क्रू है जिसके ऊपर ये माउंट हो जाएगा। कहाँ गया ये? तो इस पूरे के पूरे सेटअप को लगाने के बाद अब मैं आपको शो करता हूँ ये कैसा दिखने वाला है। तो देखो, ये बना है अपना सेटअप। तो अभी ये जो लाइट है इसके अंदर मुझे बैटरीज डालनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये जो कनेक्टर है ये आईफोन में जाएगा, जो कि यहाँ पे है, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं लगा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है आप मुझे यूज़ करते हुए नहीं देख पाएंगे कि मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ोन मेरे इस पे लगा होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आई मीन इट्स योर बैड लक कि आप मुझे नहीं देख पाएंगे इस तरह से होल्ड किए हुए, कुछ इस तरह से आने वाला। और अगर मुझे कहीं पर रख के बात करनी है, ठीक है, इसको ऐसे खोला, ये बटन ऐसे प्रेस किया, रख के टड़ा, यहाँ पे फोन है ही और बात करनी है। Hey, hi guys, I welcome you on my channel and this is going to be a falana falana dhikana video and I welcome you on my blog. कुछ इस तरह की मैं बातें करने वाला हूँ। क्या टाइमिंग है, सीन शुरू होने वाला है और हमको लग गया है पी। भागो 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 भागो। ये ना थैंक यू सर।
तो अभी चित्रा मैम ने अपनी गाड़ी में मुझे बैठा के पहुंचा दिया गेट के बाहर। अब बस ऑटो लेके निकलेंगे ट्रेन के लिए, ताकि अभी 10:15 वाली जो गोरेगांव से ट्रेन चलती है, सॉरी बोरीवली से ट्रेन चलती है, वो मिस ना हो। दादा गोरेगांव स्टेशन। चलो भैया इस ऑटो ने तो हमें रिजेक्ट कर दिया, ढूंढना पड़ेगा कोई और स्टेशन पे जाने के लिए ऑटो। चलो भैया स्टेशन पे तो आ गए हैं, और ये तो मेरी एक ऐसी चीज़ हो गई है ना जो कि मैं यहाँ पे आके आजकल खाते ही हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना बूस्ट दे देता कि भाई घर तक पहुँचना है भीड़ में लटक के अगर ट्रेन नहीं मिलती खाली। तो अभी पता ही क्या हुआ, मैं ट्रेन से निकला तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ट्रेन में बैठे बैठे, जो हमारा कल का शूट होने वाला है। तो मैंने सोचा जब मैं ट्रेन से बाहर निकला कि भाई मैं पहुँच गया विरार, और मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने वाला था, मतलब स्टेशन से बाहर निकलने वाला था। तब अच्छा मैं सही हुआ, अरे भाई अभी तो दो स्टेशन पार किए, मैं सिर्फ बोरीवली पहुँचा, यहाँ से इंटरचेंज करना हो गया था कार्ड, मैं ट्रेन में सुधार। तो कुल मिला के आपका काम हो या कुछ भी हो, इतना मत हो जाओ कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, क्योंकि अगर सही टाइम पर ट्रेन मिस हो गई तो अगले दिन आपका काम मिस हो जाएगा। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई, देखो ये चली जाएगी, देखो ये चली जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बताओ इतने सारे लोग विरार में दिखते तो नहीं है जितने हमेशा पार्सल होके जाते रहते हैं, मतलब ये कोई तरीका होता है? बताओ कितने से जगह पे ये बंदा खड़ा हुआ है, वाह वाह, ये होता है तरीका अंदर घुसने का। ये हो क्या रहा है? तो भैया इतनी सारी भीड़ ट्रेन में देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है अब उसी ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि 10:40 का है बोरीवली से, और जो यहीं से बन के चलेगी, क्योंकि हर ट्रेन में बहुत भीड़ आ रही है। और अगली ट्रेन तो वैसे भी 10 मिनट के बाद है, तो यानी कि सबके सब इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा लोगों ने मिले हैं। कहाँ चाहिए भैया, क्या चाहिए? पैसा चाहिए यार। पैसा तो अभी हम ही कमाने के लिए जा रहे हैं, अभी हमको मिला नहीं है, जब मिलेगा एक दिन देंगे। भाई साहब मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अभी पता है क्या हुआ, विरार के कैसे प्लेटफॉर्म पे लाके इन्होंने ट्रेन खड़ी करी है ना, जिस स्टेशन पे आज तक जिस प्लेटफॉर्म पे आज तक खड़ी नहीं हुई आके ट्रेन, बिल्कुल लास्ट वाला और बिल्कुल एंड में। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ऐसे पूछिए कौन सा स्टेशन आ गया, कि दूसरे डायमेंशन में तो नहीं पहुँच गया, जैसे हैरी पॉटर होता है वो निकल के जाते हैं उसमें से, जो भी उसको कहते हैं, सेम वो चीज़ था इधर। और बहुत देर में मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ से जाना है। इस ये जो ब्रिज दिख रहा है आज तक मैं इस पर नहीं चढ़ा, और मुझे अभी वहाँ पे जाना है। एक्चुअली यूजुअली ट्रेन वहाँ पे जाती है, उससे जो पहले के दो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाए खड़ी होती है, लेकिन इस बार यहाँ कहीं पर पहली बार, और अभी मुझे इधर निकलना है। मैंने ना अभी अभी गाना बनाया आप लोगों के लिए, सुनना। विरार में अब पहुंच गए, अब सब्सक्राइब भी कर दो ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा दो ना। चलो अगले व्लॉग में मिलता है, ठीक है? बाय। बेदर्दी इश्क ने घोड़ा सबका दिल, इसने तोड़ा हर आशिक, इश्क से हारा हमको भी इश्क ने मारा, आए चैन कहीं ना, कर दे मुश्किल जीना इश्क का। Thank you.